इनके सिवा वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण और 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु ने समझा बुझा कर ले आए। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं ने मैं वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सबके आगे नारद जी विराजमान हुए। एक और ऋषिगण, एक और देवता, एक और वेद और उपनिषद आदि तथा एक और तीर्थ बैठे और दूसरी और स्त्रियां बैठी। उस समय सब और जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा और अबीर, गुलाल, खील एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई कोई देव श्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित हो गए, तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनकादि ने कहा, अब हम आपको इस भगवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन, आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं तथा श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत देव लोग गए तो साथ में वो आत्माएं चली गई, कोई आगे गई, कोई पीछे गई। और फिर बाद में जब भगवान राम के रूप में भी, जो बानर के रूप में जितने बानर थे, बानर जितने भी थे, वो सब वही आत्मा जो मुक्ति वाली आत्मा है वो नहीं जन्म लेते। पूरा शास्त्र मुक्ति के लिए ही है। हाँ, ये वास्तव में शास्त्र जो है, जो परीक्षित को उसने गलती करी थी, ऋषि के गले में सांप डाल दिया था परीक्षित में, तो उसको ऋषि ने श्राप दिया कि तुम 7 दिन में मर जाओगे। उसको लगा कि 7 दिन में मेरी यदि मृत्यु हो जाएगी तो मैं कैसे बच पाऊँ। वास्तव में तो उसने इसलिए किया कि मृत्यु ना हो। तो उसने ऋषियों के पास गए, तो ऋषि ने ये कथाओं को सुनाई, ये सुनो, इससे आपकी मृत्यु नहीं होगी। पर वास्तव में मृत्यु तो हुई उसकी, शरीर से तो उसको जो श्राप था उसका रोग भोगने की वजह से 7 दिन में बराबर उसको तश्चर्य दशा और उनकी मृत्यु हुई। लेकिन उसको ये आवाज हो गया कि मैं नहीं मर रहा हूँ, ये शरीर मर रहा है, मेरी आत्मा नहीं मर रही है। तो आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, शरीर की मृत्यु होती है। ये इस हिसाब से उसको समझ गया और वो अपने आत्मा से शरीर से अलग हो गया। मरने से पहले उसने अपनी आत्मा को ये मान लिया कि मेरी आत्मा हमारे, उस आत्मा के साथ उसने अपने मरने की जो एक कल्पना थी उससे अलग हो गया और शरीर तुम्हारा मुक्ति जो है वो आत्मा की होती है। हाँ, आत्मा बिल्कुल, आत्मा के शरीर के नहीं। शरीर तो जिस 5 तत्व से बना है वो यही बना है, यही खत्म होगा, यही सब होगा। शरीर की कोई बात नहीं, शरीर की तो जो जो कुछ